हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सीएसएस का है और सीएसएस में हम सीखेंगे ग्रेडियंट स्टाइल में हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं सीएसएस में। सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें हम एचटीएमएल में सीएसएस को एम्बेड करके और ये प्रोग्राम बनाएंगे, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोट पैड ओपन कर लेना। आप सीएसएस की कोडिंग नोट पैड पर, नोट पैड प्लस प्लस पर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर या फिर और भी कोई ड्रीम व्यूअर टाइप का जो आइडियली है वहां पर भी कोडिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं नोट पैड को ओपन करता हूं, ठीक है, इसी पर हम कोडिंग करेंगे। तो अभी मैं दिखा देता हूं प्रोग्राम कौन सा हमें बनाना है। ये मैंने बना के रखा हुआ है और इसी प्रोग्राम को हम बनाएंगे एक बार फिर से। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इस तरीके से आया हुआ है। ये ग्रेडियंट कलर है और शेप में दोनों में अंतर है। देखिए ये पूरा गोल है और ये एक अंडाकार शेप में है। तो देख सकते हैं इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नोट पैड मैंने ओपन कर लिया है और इसी पर अब हमें कोडिंग करनी है, तो यहीं पर हम कोडिंग करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको कि तीन तरीकों से सीएसएस लिखी जाती है, तो ये एचटीएमएल में एम्बेड करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर डॉक टाइप मेंशन कर लेता हूं। तो यहां लिखा मैंने डॉक टाइप और फिर लिखेंगे यहां पर एचटीएमएल, ठीक है। तो ये हो गया डॉक टाइप एचटीएमएल और इसे क्लोज किया, फिर एंटर करके नीचे आएंगे और फिर यहां पर एचटीएमएल से शुरुआत कर देनी होगी। तो ये एचटीएमएल से हमने स्टार्ट किया और फिर नीचे आकर के यहां पर हमें हेड का पोर्शन लिखना है, तो ये हेड लिखा हमने और हेड लिखने के बाद फिर नीचे आएंगे, कलर का कोड लिख देता हूं, ठीक है, हैश जीआरएडी और यहां लिखता हूं फर्स्ट, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और फिर यहां पर हाइट की बात करेंगे, तो हाइट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा और यहां पर इसकी साइज देंगे हम 150 पिक्सल, ठीक है। साइज में थोड़ा इधर उधर करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और यहां पर इसे कर देंगे हम क्या, टर्मिनेट। फिर इसकी विथ की बात करेंगे, तो यहां विथ हम दे देंगे, तो विथ दे देता हूं मैं 200 पिक्सल, ठीक है। तो यहां पर दे दिया हमने 200 पिक्सल, ये विथ हमने दे दिया और फिर यहां पर बैकग्राउंड का कलर हम देंगे, ठीक है। तो इसको टर्मिनेट करके नीचे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और फिर डैश दे करके लिखेंगे कलर, ओके। तो यहां पर लिखता हूं कलर, कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये बात मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं। और फिर यहां पर कलर दे देंगे रेड और इसको भी टर्मिनेट कर देंगे और फिर बैकग्राउंड इमेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम यहाँ कोई इमेज नहीं लगा रहे, हम खुद से डिसाइड करेंगे कि ये किस शेप में आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड, लिखेंगे इमेज, तो ये हो गया बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज देने के बाद यहाँ कोलन लगा करके फिर हम यहाँ पे देंगे कैसा दिखना चाहिए बैकग्राउंड हमारा, रेडियल, पहला वाला रेडियल होगा। और यहाँ पे ग्रेडियंट चुकी है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ग्रेडियंट, ओके। तो ग्रेडियंट कर दिया हमने और रेड येलो और ग्रीन यही तीनों कलर है इसमें, तो यहाँ पे लिखता हूँ रेड, तो रेड येलो और ग्रीन ये तीनों हमने कर दिया। और यहाँ पर इसको कर देते हैं टर्मिनेट और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था इसे भी कर देते हैं क्लोज। पहले हमने एक ब्रैकेट भी ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब सेम यही चीज ग्रेड टू में लिखेंगे, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है। तो यहां से कोड को कर लेते हैं चेंज, यहाँ पे ग्रेड टू कर देंगे, ये जो कोड लिखा हुआ है ना वन, तो इसे हम केवल टू कर देते हैं और हाइट 150 पिक्सल ही रहेगी और विथ 200 पिक्सल ही रहेगी। कलर इसका रेड होगा, रेड ही है। और बैकग्राउंड इमेज रेडियल, ग्रेडियंट, सर्किल, रेड येलो ग्रीन ये सब चीजें जस का तस हमें छोड़ देना है और इसे टर्मिनेट कर देना है। और टर्मिनेट करने के बाद नीचे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, जैसा कि देख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज हो ही चुका है पहले से ही। अब यहाँ पे स्टाइल टैग को कर दीजिए क्लोज, ठीक है, यहाँ पर स्टाइल टैग का काम होता है पूरा। और फिर इसके बाद हमें हेड को भी कर देना है क्लोज, यहाँ पर हेड का भी काम पूरा हुआ, ठीक है। और इसको क्लोज करने के बाद फिर नीचे आइए बॉडी टैग को ओपन कर लीजिए, अब यहां से काम चालू होता है बॉडी टैग का। तो अब यहाँ पे हमें डिजाइन करना है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, H1 टैग लगा लेंगे, जानते ही हैं H1 सबसे बड़े अक्षरों में लिखने के लिए यूज होता है। तो चूंकि एक हमने बनाया है रेडियल, ठीक है, तो रेडियल ग्रेडियंट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको यहां से क्या करेंगे, H1 को क्लोज कर देंगे, H1 का काम पूरा हुआ, H1 को क्लोज कर दिया हमने, H1 छूट गया, तो H1 को क्लोज कर दिया हमने। और अब नीचे आएंगे और अब H2 लिख लेते हैं यहाँ पे,
और जैसा कि आपको पहले की वीडियोस में मैंने div टैग के बारे में बताया था, तो हम div टैग को भी यूज करेंगे। ग्रहित कर लेना किसी के ऊपर, जैसे कोई दूसरा कलर चढ़ जाए तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स, ठीक है। और यहां पर h2 कर देता हूं क्लोज, ये हमने कर दिया h2 को क्लोज, और फिर यहां पे नीचे div टैग लगा लेंगे। तो ये div टैग लगाया हमने और div id लगाएंगे। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रांग टैग के भी बारे में बताया था बहुत पहले शुरुआती वीडियोस में HTML के, तो यहां पर स्ट्रांग टैग का भी एक यूज हम लोग कर लेंगे। इसके ठीक ऊपर स्ट्रांग टैग हमें लगाना है, यानी इन दोनों के ठीक बीच में यहां पर। और स्ट्रांग टैग लगाने के ठीक पहले हमें क्या करना है, हमें यहां पे लगा देना है H2 टैग, ठीक है। तो यहां पर भी H2 टैग लगा देते हैं, तो ये H2 टैग लगा रहा हूं मैं, ये देख सकते हैं आप, ये H2 हो गया। और इसके अंदर फिर एक और स्ट्रांग टैग लगा देते हैं, strong strong, ठीक है, strong, ये strong को क्लोज कर दिया हमने। और strong को क्लोज करने के बाद h2 को भी क्लोज कर दिया, ये हमारा काम हो गया इस तरीके से। आप देख सकते हैं अब ये प्रोग्राम हमारा लगभग बन करके तैयार है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, यानी कि सिर्फ अब क्लोज करना है बॉडी को और html को। यहाँ पे बॉडी क्लोज किया, यहां से इसको करेंगे सेव, अगर कोई गलती नहीं है तो सेव करने के बाद हमारा प्रोग्राम चलेगा और प्रिंट भी होगा। तो एक बार पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं मैं, और grad1.html लगाना जरूरी, तो ये .html से इसे हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव। अब ये सेव हो चुका है, चलते हैं देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलेगा या नहीं। ग्रेड वन के नाम से सेव किया था आपको याद है, डबल क्लिक करता हूं, और डबल क्लिक करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है इस तरीके से आउटपुट हमारा आया हुआ है।